भाईंद्री की साइड में और शेख जिला पानीपत, पानीपत की साइड में, दोनों डिस्ट्रिक्ट पानीपत की टीम में है। आगे रेड बैंड लूम और खी जिला जीव, और भाई देखिए एक खिलाड़ी की छूट में आज सीख टीम का हिस्सा है अंकुश अहर, अंकुश अंकुश लूम और खी और पॉइंट रेड के खाते में। फिर आगे रेड बैंड निट्टू बैसवाल, और भाई देखिए खेल कबड्डी लाइव। हाँ जी भाई मोखरा वर्सेस शिवा, भाई ये जो गंज बड़ाला रूस वाला था वो दोनों सरपंच से हमने फोन कर लिया है, वो संदेशा उन्होंने दे दिया है। भाई ये गंजबड़ में ही है, गंजबड़ में ही रहता है, गंजबड़ में ही खेलता है। एक बार मैं मधुपुर टीम के कैप्टन और बुला लियो जी, यह चीज स्पष्ट करवा दो। हाँ देखिए भाई खिलाड़ी पास कर दिया कमेटी ने, गांजबड़ का जो खिलाड़ी था यही है ना जी। अब गांजबड़ वर्सेस एचरा खुर्द, ये दोनों टीम में आ जाएंगे ग्राउंड में। भाई देखिए फिर आ गया रेड पर दर्शक साथियों लक्ष्मण अहर और सामने अशोक और जमनी सिंह के द्वारा कैच का प्रयास, लेकिन डबल टच पॉइंट रेड के खाते में। और फिर आगे रेड पर दर्शक साथियों बोलू मुर्खी चला रेड पर और सामना करेंगे चार स्टॉपर अहर जिला पानीपत की दोनों टीमें हैं। भाई जो टीम जीतेगी फौजी भाई अकबरपुर के साथ में मुकाबला खेलेगी। और देखिए भाई पिंटू अहर दूसरे कॉर्नर पर आई है दर्शक साथियों, पिंटू अहर पॉइंट रेड के खाते में। पॉइंट रेडर को मिला है भाई। फिर आगे रेड पे निट्टू बैसवाल, बहुत ही शानदार रेडर है भाई, इस सीजन में कई तगड़े मुकाबले के लिए निट्टू बैसवाल जिला सोनीपत ने। और सामने भाई जोनी सिंह, इस सीजन में इन्हें खतरी को दो खिलाड़ियों ने कैच लगाई हरियाणा प्रदेश में, चाहे जोनी सिंह ने या फिर अंकुर बलारा ने। और देखिए भाई फिर अगली रेड है सौरभ सिंह आ गया रेड पे, सफल रेड बिल्कुल मंडोरा की धरती पे, जोनी सिंह ने कैच लगाने का काम किया था भाई, अग्नि मिसाइल के नाम से जाना जाता जो खिलाड़ी नॉन स्टॉप रेड लगाता कई कई टूर्नामेंट, उस खिलाड़ी को कैच लगाई थी। और भाई मित्ता दल के खेल मिले में अंकुर बलारा फिर, लेकिन भाई एक ऐसा रेडर है जिसने हरियाणा में नहीं विदेशों में भी नाम ऊंचा किया हरियाणा प्रदेश का, विनय खत्री, बहुत बड़ा नाम है कबड्डी जगत में उस खिलाड़ी का। और देखिए भाई जोनी सिंह अगर बेस्ट आता आज की टूर्नामेंट में शिवा हॉस्पिटल रोहतक 500 रुपए से मान सम्मान करेंगे, बोलू मोर्खी के लिए भी यही घोषणा है। और फिर आ गया बोलू मोर्खी अहर के पाले में रेड डालते हुए भाई मोखरा वर्सेस शिवा, दोनों टीमें ग्राउंड पर आ जाए बिना किसी देरी के, मोखरा वर्सेस शिवा। और ले भाई बोलू मोर्खी पिंटू अहर, शानदार टक्कर है भाई दोनों खिलाड़ियों के बीच, सफल रेड। और फिर आ गया रेड पर निट्टू बैसवाल, और ये है अशोक सिंह, सफल रेड पॉइंट। सौरभ आ गया रेड पे, भाई एक बार लाइटों को भी आप अपनी चेक कर लें क्योंकि आगे के जो मैच होंगे वो हमारे लाइटों की रोशनी में मैच करवाए जाएंगे। और फिर चला रेड पे सौरभ सिंह, 14-14 पे मैच बराबर, 15 जिसके पहले हो जाएंगे वो टीम जीत जाएगी। पिंटू अहर के द्वारा कैच की कोशिश है और सफल रेड पॉइंट। फिर चला रेड पे लक्ष्मण अहर, आया लक्ष्मण अहर, और भाई
आज कमाल कर दिया भावपुर टीम को हराने का काम किया सीख की टीम ने, और अब एयर के साथ में मुकाबला है और जो जीतेगी वो फौजी बहु अकबरपुर के साथ में चौथा क्वार्टर फाइनल मैच खेलेगी। मोकराज शिवा पहला क्वार्टर, दूसरा क्वार्टर गांजबड़ वर्सेस ऐचरा खुर्दे, तीसरा क्वार्टर होगा बिट्टू अथलाना वर्सेस धनसोली, चौथा क्वार्टर फौजी बहु अकबरपुर के साथ में इस मैच की विजेता टीम खेलेगी। पॉइंट रेटर के खाते में और फिर आ गया भाई रेड पे दर्शक साथियों नीटू बैसवाल। अगर आज बेस्ट रेडर रहता है तो भाई 500 रुपए से शिवा हॉस्पिटल मान सम्मान करेगा आपका भी। पवन भाई ने और बता दे शिवा हॉस्पिटल है कौन सा इलाज हो इसमें? हार्ट और कैंसर का हॉस्पिटल है भाई रोहतक में। नीटू बैसवाल की सफल रेड फिर आ गया रेड पे सौरभ सिंह। बोला जैसी करनी वैसी भरनी, करनी का फल पाना से और कर्म करण ने फल आ जाती लोगो भगतन न देंग ताना से, और कर्म करण ने फल आ जाती है भगतन न देंग ताना से। सफल रेड पॉइंट रेडर के खाते में और फिर आगे रेड पर लक्ष्मण अहर। बहुत शानदार मैच है भाई दोनों टीमों के बीच में, चाहे सीख की बात हो या अहर टीम की बात हो, दोनों टीमें बिल्कुल बराबरी की है। आज हमारे बीच में नहीं है भाई अरपाल, एक ऐसा कैचर है सीख गांव ने दिया है भाई, जिसने बहुत कम उम्र में बड़े से बड़े रेडर को धूल चटाई थी, शानदार खेल था, उस खिलाड़ी के नाम से टीम है सोनी वर्सेस लक्ष्मण अहर, शानदार फाइट। आजा भाई आजा आजा बिंद्रोली आजी भाई, खेल समिति का फैसला खेल समिति कर रही है, सरपंच साहब कर रहे हैं ज्यादा लेट नहीं करना, अगले जो अपने चार क्वार्टर और दो सेमी और एक फाइनल, जो टीम पहले 11 अंक बना लेगी 10-10 पे बराबर, हाँ 10-10 पे बराबर बिल्कुल जी, बहुत बढ़िया फैसला है, क्योंकि जो टीमें आगे जाती है वो भी मैच खेल के ही जाती है, वो भी थोड़ा थक जाती है, तो मैच इस तरह का हो दोनों टीमें अपना पूरा जोर लगा ले, है जी 10-10 पे बराबर है, 11 जिसके पहले हो जाएगी वो जीत जाएगी इस मैच के बाद, ये 14 पे बराबर है 15 वाली टीम जीत जाएगी। अशोक सिंह सीधे नीटू बैसवाल, सौरभ सिंह को चला रेड पे, देखते भाई कौन प्रयास करता है कैच लगाने का, यहाँ पर सौरभ सिंह को बहुत ही शानदार रेड रहा भाई, और सामने है पिंटू अहर, सरसाना गांव के खेल मेले में गजब का प्रदर्शन दिखाया था भाई इन खिलाड़ियों ने। हाँ सर लाइट वाले ने बुला के एक बार चेक करवा, भाई एक बार लाइटों को चेक कर लो आप अपनी खेल कबड्डी लाइव, और फिर आगे रेड पर लक्ष्मण अहर। अगले मैच के लिए भाई मोखरा टीम पहुंच गई क्या? मोखरा शिवा, शिवा वर्सेस मोखरा अगला मैच होगा, गांजबड़ वर्सेस ऐचरा खुर्द, भाई ये टीमें भी आ जाए दोनों ग्राउंड पे, क्योंकि देखिए 10-10 पे बराबर, 11 पॉइंट जिसके पहले हो जाएंगे वो टीम जीत जाएगी। और फिर आ गया रेड पे भाई बोलू मूर्खी, बोलू मूर्खी आ गया रेड पे, और अंकुश के द्वारा कैच का प्रयास है भाई, सफल रेड पॉइंट, पॉइंट रेडर के खाते में, और फिर आ गया रेड पे दर्शक साथियों नीटू बैसवाल, बेस्ट रेडर आता आज की टूर्नामेंट में तो शिवा हॉस्पिटल है जला
रोहतक में स्थित है भाई। अगर ये रेड सफल होती है तो 11-11 पॉइंट हो जाएंगे दोनों टीमों के, मैच बिल्कुल बराबर का है। लेकिन जनेश की गोल भाई ना ठीक करते, 11-11 नीरज भाई स्कोर बराबर हो गया। और इसका सेल बदल दे भाई। और देखिए भाई फाइव स्टार कबड्डी में भी आप इन मैचों को देख सकते हैं, बहुत अच्छे तरीके से दिखाने का काम करते हैं भाई। फाइव स्टार कबड्डी चैनल को भी ज्यादा से ज्यादा सब्सक्राइब करें, अभी मन्नू मूवीज यूट्यूब चैनल पर लाइव चला हुआ है, बहुत शानदार मोनू। और फिर आगे रेड पर दर्शक साथियों लक्ष्मण लक्ष्मण हर चला रेड पे, मैच बिल्कुल बराबर का हुआ है दोनों टीमों के बीच में, बराबरी की टीम में है। ले भाई जॉनी मलिक ने बड़ा काम कर दिया है, जॉनी सीख लक्ष्मण अरे 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 हाँ झटके जारी है। कबड्डी 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 बल्ले बल्ले बिल्कुल मैच जताऊ कैच हो सकती है भाई। ये देखियो भाई और फिर आ गया रेड पे बोलू मोरखी, मैच का टर्निंग पॉइंट भी हो सकता है ये। अगर कैच नहीं लगती एयर की तरफ से तो पिंटू एयर कैच से लगानी बहुत जरूरी है। बला जो तीर निशाना चूक जा वो क्या का हथियार, उसकी जीत हमेशा पक्की। अरे जो पहले करेगा अरे जो पहले करेगा अरे टाइम आउट कौन सी टीम का टाइम आउट एयर की तरफ से लिया गया भाई, 30 सेकंड का टाइम आउट। देखिए भाई कमाल का मैच खेल दिया पिंटू एयर ने, बिल्कुल मौके पर कैच लगा दी। चलिए भाई रेड लगाएं, बलारा आज मेरा लगेगा किसने तरीके उठ के दौड़ लगाई है, आज मेरा लगेगा किसने अंगे की अंगाई है, आज मेरा लगेगा किसने खाया की दूध और किसने चढ़ाई दवाई है, आज मेरा लगेगा किसने खेली मां खेल कबड्डी और किसने पबजी में आंख फड़वाई है, अरे किसने पबजी में आंख फड़वाई है। सफल रेड पॉइंट रेडर के खत्ते में, फिर आ गया रेड पर सौरभ सीख, देखते भाई कौन प्रयास करता है कैच लगाने का। पिंटू एयर ने गजब की कैच लगा गया, मैच को फिर बराबर बल्ला का खड़ा कर दिया है और अब देखते भाई कौन प्रयास करता है। और पिंटू पॉइंट रेडर के खत्ते में। और भाई देखिए तेरा 14 का स्कोर है, रेड लगाओ भाई आप। अगर रेड सफल होती है तो मैच बराबर हो जाएगा, अगर कैच लगती है तो भाई सीख की टीम यहां पर जीत जाएगी। निर्णायक रेड है भाई सीख की तरफ से, अगर कैच लगती है तो टीम जीत जाएगी इस मैच में। आ गया रेड पर लक्ष्मण अहिर वाला, सामने जॉनी सीख तैयार अशोक सीख तैयार, दोनों कॉर्नर पे है भाई, चाहे अशोक की बात हो या जॉनी की। और लक्ष्मण अहिर अब बल्ले 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 कबड्डी कबड्डी पॉइंट, बिल्कुल बहुत ही शानदार डिसीजन पॉइंट रेडर के खाते में। बलजीत जी मैच बराबर 14-14, तीन तीन रेड देनी है या पांच पांच, ये चीज आप बता दो एक बार। तीन तीन हाँ बिल्कुल तगड़ा मैच खेला भाई दोनों टीमों ने, तीन तीन रेड दी जाएंगी दोनों टीमों को। और भाई देखिए अब तीन तीन रेड में पिंटू एयर जितनी भी कैच लगाएगा, हेलो फिर गोल्डन दे दियो तीसरे में, हाँ टाइम बचाना आपने।
तीन के बाद में गोल्डन रेड पर फैसला हो जाएगा। और भाई पिंटू एयर अगर बोलोवर क्यू को कैच लगाता है तो 200 रुपए से एलडीएम कंपनी आपका मान सम्मान करेगी, जो कई सालों से जिसने भाई पहला एलडीएम प्रोडक्ट से मान सम्मान भी कृष्ण मलिक सीख को दिया था गांव खेड़ी जट के खेल मेले में। और पहली लाइफ लाइन आगे भाई दर्शक साथियों रेड पे तीन तीन रेड में देखते हैं भाई क्या फैसला होता है। बल्लू मूर्खी चला रेड पे अंकों से अरे बल्ले 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 सफल रेड। पहली लाइफ लाइन आ गई है भाई नीटू बैसवाल, जो भी कच्चा कैच लगाएगा 100 रुपए से आपका भी मान सम्मान करेगी। और आगा नीटू बैसवाल एयर की तरफ से पहली लाइफ लाइन, और देखते हैं भाई कौन प्रयास करता है कैच लगाने का। यहाँ पर अशोक सीख के द्वारा कैच की कोशिश और सफल कैच, फिर चला रेड पर सौरभ सीख। दूसरी लाइफ लाइन है भाई, भाई एक बार लाइट व्यवस्था देख लो आप, दूसरी लाइफ लाइन चला रेड पर सौरभ सीख एहर के पाले में। अब पिंटू अरे कैच की दरकार है अगर मैच में बना रहना है तो, सफल रेड दूसरी लाइफ लाइन। अगर ये कैच भी पकड़ो अशोक सिंह लगाता है तो 200 रुपए से मान सम्मान करेगा। एक ऐसी टूटी जिसकी थी डीजल रखा था यहाँ, तो भाई इसको जनरेटर वाले को दे दो, लाइट वाले को। अरे देखिए हाँ जी कुछ साहब है, तीन तीन रेड पर मैच चल रहा है एक बार। और देखिए भाई लक्ष्मण अगर कैच हुई तो मैच यही समाप्त हो जाएगा, अगर कैच होती है तो मैच समाप्त। सफल कैच पॉइंट सीख जला पानीपत को, और इस मैच को भाई सीख की टीम ने जीत लिया है चौथे क्वार्टर फाइनल में।